नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर लोकसभा सीट पे। शनिवार सुबह से ही मतदान जारी है और इस समय जहां मैं मौजूद हूं वो जगह है भठक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पटेल स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज है, पटेल नगर में स्थित है और सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदान जारी है और ठीक ठाक संख्या में लोग सुबह के समय एक भारी संख्या भीड़ में रही है मतदाताओं की। हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दों पे उन्होंने मतदान किया। क्या नाम है आपका? जय हिंद मतदान। जी जी, क्या इस बार मुद्दा है आपका मतदान का? मतदान का मुद्दा यही है जो अधिकार कर रहे हैं योगी जी, जी उन्हीं पे ज्यादा ध्यान। कैसा काम लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जी जी, काम अच्छा है उनका, पूरा विकास। क्या नाम है आपका? शिव विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप लोग? भटाट बाजार हमारा। भटाट में। तो क्या है इस बार मुद्दा आपका? योगी जी का सहयोग में हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग उनके उन्हीं का सेवक है। जी जी, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम तो हुआ है, रोड होगा, लाइट हो गया, घर घर सब कुछ, शौचालय हो गया, अब सब अच्छा है। जी जी जी, दिक्कत सही हो जाए। गाँव का रोड, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला सब तक अच्छा है। जी जी, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार नाम। क्या है इस बार मुद्दा आपका मतदान का? यही है, योगी का सपोर्ट में हम लोग लगे हुए हैं। जी, और उन्हीं को कैसा काम दिखता है? अच्छा कर रहे हैं, जो भी है वो भी सही है, पूरा रोड रोड। जी जी जी, पूरा बात हुआ। आपका क्या नाम है भाई साहब? रितेश सिंह। रितेश जी, कैसा क्या इस बार लग रहा है मतदान की, इस बार आपके क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दे तो सब कुछ ठीक ही है। जी है, लेकिन एक ही कमी है। क्या? जो हमारा पशु घूमते हैं उनका गौशाला बना था। अच्छा, लेकिन उस पे वो गौशाला पता नहीं कहाँ है, मतलब वो गौ जो छुट्टा पशु है उनसे दिक्कत होती है। आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन गौशाला है, हर जगह बनवाए हैं जी योगी जी, लेकिन वो दिखाई नहीं देता कहाँ है। अच्छा अच्छा, वो डाल दिया आप लोगों ने? हाँ, वोटिंग। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम शब्बन। कहाँ के रहने वाले हैं? भटेट के रहने वाले। क्या इस बार आपने मतदान किया, क्या मुद्दे हैं आपके मतदान? बेरोजगारी, बच्चे पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं। जी जी जी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जी, पूरी उम्र खत्म हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ना उम्मीद कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है ये? वो डाल दिया। क्या इस बार मुद्दे हैं आप? यही है, महंगाई, बेरोजगारी। जी, बदलाव की लहर है जी। गोरखपुर लोकसभा सीट का जो क्षेत्र है, क्या कितना विकास दिखता है? खाली कागज में विकास है, खाली जमीन के लिए। समस्याएं पता जानी चाहिए। समस्या बहुत तरह के है, हर तरह की समस्या है। विकास के मामले धोखा है। कौन सी जगह है ये? क्या इस बार होता रहा आपका वोट देने का? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी तो बहुत है, आदमी परेशान। हम लोग ऑटो चलाते हैं, इस तरह परेशान है। बहुत बुरी सवारी है, ये नहीं है। विकास कार्य कितना दिखता है? विकास कार्य तो एक चार रोड निकला है, रोड में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है, यही विकास है। रेट बढ़ रहा है, आदमी चमक रहा है, कहीं रोड के किनारे खाए में ले जा रहा है। क्या हो रहा है? जी मैम जी, वो डाल दिया। क्या मुद्दे आपको? हमारे लिए तो सबसे, हमारे लिए सारे युवाओं के लिए रोजगार, रोजगार के बढ़े, इतना देश का विकास हो जा रहे। जी जी जी, और हम उम्मीद करते हैं, हमने मतदान किया है, उम्मीद करते हैं आने वाली कोई सरकार नहीं बनेगी। वो हमारे हितों को, महंगाई, बेरोजगारी पे लगाम लगाने का व्यापक मतदान। क्या मुद्दा रहा इस बार आपका वोट डालने का? मुद्दा दिख रहा है, जो सब सही है, जो भी कार्य कैसा दिख रहा है क्षेत्र में, क्या समस्या दिखती है? समस्या कुछ नहीं है, जिन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पे इन्होंने मतदान किया है। पटेल स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज भटहट में इस समय हम लोग मौजूद है। आपने वोट दे दिया, क्या नाम है आपका? क्या है इस बार आपका मुद्दा वोट देने का? मुद्दा यही है, काम किए हैं। अच्छा अच्छा,